अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू प्रूव दैट वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वेव। वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, ये हमने पहले भी स्टडी किया है वेव की डेफिनेशन में, which travels from one place to another place and have a specific velocity of traveling, such a velocity is called velocity of wave. So what is velocity of wave? Velocity of wave वो velocity है जो किसी wave को एक point से दूसरे point तक या एक जगह से दूसरी जगह तक travel करने के लिए require होती है, उसको हम कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ वेव। नाउ वी नो वी इज इक्वल टू डी ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। ये हम लोगों ने फर्स्ट 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था और फर्स्ट चैप्टर में अभी स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा है। सो अगर हम इस इक्वेशन को डिस्टेंस ओवर टाइम की बजाय वेवलेंथ ओवर टाइम पीरियड की शेप में लिखना चाहें तो क्या होगा? उसके लिए हम वेवलेंथ को डिस्क्राइब करेंगे। तो व्हाट इज वेवलेंथ? हम लोगों ने कहा था वेवलेंथ क्रस्ट या ट्रफ्स के दरमियान जो उसका डिस्टेंस था उस चीज को। अब इसमें हम वेवलेंथ किसको कहेंगे? इफ द टाइम टेकन बाय द वेव इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इक्वल टू टाइम पीरियड। अगर एक बॉडी एक वेव को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। तो जो डिस्टेंस कवर होगा उसको एक जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, उस डिस्टेंस को हम कहेंगे वेवलेंथ। देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव विल बी इक्वल टू वन वेवलेंथ। क्या हो गया? एक वेव को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर होता है, अगर हम उस टाइम को कहें कि ये टाइम पीरियड, तो उस टाइम में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है अपनी फर्स्ट ओरिजिन से लेके फाइनल पोजीशन तक, तो वो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा वेव लेंथ। ओके, अब हमने डिस्टेंस को कह दिया वेव लेंथ, लैम्डा से रिप्रेजेंट कर देंगे, और टी जो हमने टाइम कहा था उसको हमने टाइम पीरियड कह दिया, तो उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। अब हम करते हैं क्या है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन टू का, इसको वन का। अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम का रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, एफ किसके इक्वल होगा? वन ओवर टी के। तो टी भी रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी का, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर हम टी को लें तो वो इक्वल होगा वन ओवर एफ, वन ओवर फ्रीक्वेंसी के। अब अगर हम ये वन ओवर टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ये हम लोग इसको कह सकते हैं कि हमारे पास लैम्डा बाय टी है, इसको हम लिख सकते हैं अलग से लैम्डा वन ओवर टी, ये कर देते हैं हम इसको। अगर हम 1 ओवर टी की वैल्यू, अब यहाँ से 1 ओवर टी की वैल्यू पुट करें तो ये वैल्यू पुट होगी। एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी, 1 ओवर टी की जगह एफ लगा सकते हैं हम, तो हम उसकी जगह एफ लगा देते हैं, लैम्डा एज इट इज रहेगा, 1 ओवर टी की जगह हम लोगों ने एफ लगा दिया। सो वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जिसको हम लोगों ने